हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा ए जेंटलमैन फिल्म के डिटेल रिव्यू के साथ में, डिटेल रिव्यू के बारे में। हाल ही में मैंने फिल्म देखी और मुझे कुछ भी इस फिल्म के बारे में अच्छा नहीं लगा और मेरे हिसाब से एक टोटल डिसअपॉइंटेड फिल्म है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा एक डबल तरीके का रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा वो क्या चीज़ है। और उनके दो रोल है, ऋषि और गौरव, और जैकलिन फर्नांडिस जो उनकी गर्लफ्रेंड का रोल निभा रही। कहीं ना कहीं जैकलिन को एक रिस्की लड़का पसंद चाहिए जो थोड़े से बहुत ही ज्यादा लाइफ में थोड़ा रिस्क ले, एकदम सिंपल सादा लड़का रहता है गौरव। और बाद में इस लोगों को पता नहीं रहता है कि गौरव आखिर ऋषि है जो एक ऐसी ऐसे लोगों के साथ काम करता है जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं। और किस तरह से ऋषि की लाइफ एकदम खतरे में पड़ जाती है, उसके बाद ऋषि भागकर मियामी आ जाता है और अपनी एक अलग आइडेंटिटी गौरव नाम से रहता है, तो नहीं पता था जैकलिन को। फिर सेकेंड हाफ में जैकलिन को जब पता चलता है तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, किस तरह से चेज गेम होता है, किस तरह से एक्शन सीन्स है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म जो हमने कई बार देख चुकी है स्टोरी, वही इस फिल्म में हमें नजर आया। सिर्फ एक जो मेन लीड एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस, वो ही इस फिल्म में थोड़ा सा फ्रेशनेस पैदा करते, बाकी इस फिल्म में मुझे नहीं लगता कुछ भी है। हर चीज टिपिकल है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश नहीं की गई। एक सीन की मैं यहाँ पे तारीफ करूंगा, जब गाड़ी के बीच में फाइट होती रहती है सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके एक दोस्त रहते हैं जो ग्रुप में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं उनके बीच में, तो गाड़ी कुछ 10-12 महले पे जाके फंस जाती है, किस तरह से गिरती है, थोड़ा सा वो सीन थोड़ा सा अलग लगा, हटके लगा। बाकी उसके अलावा कुछ फिल्म में ऐसा ही लगा कि जो मुझे एक्साइट कर रहा है। और फिल्म का फर्स्ट हाफ काफ़ी स्लो है, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था देखते वक्त, और सेकेंड हाफ मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग है, वो भी बिट्स एंड पार्ट्स में। ओवरऑल मतलब फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, एक वन टाइम वॉच कह सकता हूँ। मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इस फिल्म को देखने की कोशिश में मतलब देखूँ, बहुत ज़्यादा फोकस से देखूँ। राजन डीके ने अपना कला जो डायरेक्शन किया है ठीक ठाक किया है, बट ये फिल्म एक टिपिकल बॉलीवुड फिल्म बन के रह गई है मेरे हिसाब से। ऑडियंस को बहुत कुछ अलग अनोखा चाहिए, तो ऐसे में इसका बजट 60 करोड़ है, 30 करोड़ भी रिकवर करना इस फिल्म के लिए मुश्किल होगा। और दो दिन के कलेक्शन तो ऑलरेडी आपको मैंने बता ही चुके, लगभग 8 करोड़ के आसपास के हैं, तो कलेक्शंस भी बहुत धीमे हैं और फिल्म को ज़्यादा चलेगी नहीं। म्यूजिक के लिए मुझे एक ही सिर्फ गाना अच्छा लगा, बंदूक मेरी लैला, वो भी थोड़ा स्टाइलिश वे में लगा, थोड़ा स्टाइल लाने की कोशिश होती की इस फिल्म में, बट पूरी तरह फिल्म बिखरती है क्योंकि स्टोरी में ज़्यादा दम नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, कुछ कुछ जगह पे आपको हंसी जरूर आएगी। तो मेरी तरफ से इस फिल्म को रेटिंग 2 स्टार दूंगा 5 में से, और अगर आपको देखनी है तो दोस्तों के साथ जाके वन टाइम वॉच के हिसाब से देख सकते हो। इसी तरह की वीडियोज आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही मेरी वेबसाइट bollywoodcrazies.com पे विजिट करना ना भूले। ये मेरा अब तक का आई थिंक सबसे छोटा या कम मिनट्स का रिव्यू होगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।